बात करेंगे। सबसे पहले पेशी की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को घर का खाना और दवाएं फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का डीजी नैब को दरखास्त से मुतालिक कानून के तहत फैसला करने की हिदायत। तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक बताइएगा। जी एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की जानिब से एक तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिसमें ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि दौरान जिस्मानी रिमांड उन्हें घर का खाना फराहम किया जाए और घर के ही जो उनका फैमिली डॉक्टर है उसी से ही उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए ताकि इन्हें कोई रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलात पेश ना आए। तो इस दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज ने समाअत करते हुए डीजी नैब को कानून के तहत दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। और इस हवाले से हमारी प्रोसिक्यूटर असदुल्ला से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये नैब के कवानीन में शामिल है कि अगर कोई मुलजिम घर से खाना मंगवाना चाहता है तो उस पर कोई कदगन नहीं है, ताहम अदालत का जब हुक्म आ जाता है तो उस पर फौरी अमल दरामद किया जाता है। तो अब शहबाज शरीफ को घर का खाना भी फराहम किया जाएगा, जो उनका मेडिकल चेकअप है वो भी उनके फैमिली डॉक्टर से ही करवाया जाएगा।